1983 यानी 1983 में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम का निर्माण किया गया। फिर 2006 में इसका नवीनीकरण भी किया गया, लेकिन फिर 2020 में ही स्टेडियम को फिर से बनाने के लिए तोड़ दिया गया। पूरे 800 करोड़ की लागत से 2021 में सरदार पटेल स्टेडियम का नवीनीकरण कर और नाम बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। और फिर इसी स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच भी खेला गया। अब ये वीडियो देखिए। 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया। और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सब स्वच्छ जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं, इस प्रकार का कर रहे हैं। जनता के 800 करोड़ रुपए से सरदार पटेल स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम तो बन गया, यानी नाम तो बदल गया, लेकिन हालात जस के तस रहा।